उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया जा रहा है। जियो टैग बताएगा कि आपके आसपास कौन से कम्युनिटी किचन या फिर शेल्टर होम है। रिलीफ कमिश्नर संजय गोयल के मुताबिक लॉकडाउन में किसी को रहने और खाने की परेशानी ना हो, इसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3200 से 3300 के आसपास कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं और इनमें से 32 शहरों के कम्युनिटी किचन को टैगिंग के पहले चरण में लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत रहने वाली है। आसान होगा अब ये जानना कि आपके आसपास कौन कौन से, किस जगह पर कितने कम्युनिटी किचन हैं, कितने शेल्टर होम्स हैं। प्रदेश में अब कोई भी भूखा ना सोए, यही प्राथमिकता सरकार की लगातार नजर आ रही है और यही वजह है कि यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। जियो टैग से जोड़ा गया है कम्युनिटी किचन को गूगल मैप के जरिए। जियो टैग जो है वो काम करता है, फोन पर कम्युनिटी किचन को अब आप आसानी से सर्च कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि आखिर प्रदेश के कौन से जिले में, किस जगह पर और कितने कम्युनिटी किचन हैं और शेल्टर होम्स हैं। दरअसल सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी प्रदेश में भूखा ना सोए, खाना सभी को मुहैया कराया जाए। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर जियो टैगिंग है क्या। जियो टैगिंग गूगल मैप के जरिए काम करता है। गूगल मैप के जरिए जियो टैगिंग में काम किया जाता है। आसपास के कम्युनिटी किचन का जियो टैग के जरिए आसानी से पता लग जाएगा। लोकेशन के जरिए कम्युनिटी किचन को ढूंढना अब आसान हो जाएगा। कम्युनिटी किचन के इंचार्ज का नंबर भी जियो टैगिंग के जरिए मिल जाएगा। अब लोगों की सुविधा के लिए सरकार कम्युनिटी किचन को जियो टैग के साथ जोड़ने वाली है। अब आराम से व्यक्ति गूगल की मदद से किसी भी कम्युनिटी किचन का लोकेशन ढूंढ पाएगा। इसी पे मसले पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रिलीफ कमिश्नर संजय गोयल जी हैं। संजय सर, किस तरीके से ये मदद करेगा एक आम इंसान को कम्युनिटी किचन को ढूंढने में? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारा राहत पहुंचाने का है वह यह है कि लोगों को बहुत सुविधा अनुसार हम इसको पहुंचाएं। हमारा जो कॉल सेंटर का जो हेल्पलाइन नंबर है 1070 और उसके अलावा भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर है 1076 या उसके अलावा जो जिला जनपदों पर जो कॉल सेंटर्स या कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं उनके भी नंबर का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कोई भी यदि कोई शिकायत है तो हमें कांटेक्ट करने में या कोई जानकारी लेनी है उसके लिए। तो हमारे अभी वर्तमान में लगभग 3200 से 3300 के आसपास कम्युनिटी किचन्स पूरे प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। तो एक और हमने पहल की है कि इन सारे कम्युनिटी किचन्स को हमने जियो टैग किया है, उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके, और उसके बाद हमने गूगल मैप्स से संपर्क स्थापित करके उनको गूगल मैप्स से प्लॉटिंग करके और उनको पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। गूगल मैप ने उसको हमारा सारा डेटा ले लिया है, चाहे वो कम्युनिटी किचन हो चाहे वो शेल्टर होम्स हों, दोनों का डेटा ले लिया है। वो चरणबद्ध तरीके से अब उनको प्लॉट कर रहे हैं। मुझे कल तक की जो जानकारी थी उसमें यह था कि करीब 32 शहरों को उन्होंने पहले चरण में लिया है और आने वाले समय में शायद एक दो दिन में और भी वो सारे डेटा को वेरीफाई करके अपने स्तर पे इसको गूगल मैप पे प्लॉट करेंगे। क्या यूँ कहा जा सकेगा कि आम इंसान अब आराम से कम्युनिटी किचन, जो आसपास उसके कम्युनिटी किचन हो उसको ढूंढ पाएगा? बिल्कुल, उसमें हमने जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनका नंबर भी दिया है। तो दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं, या तो लोगों को पता ना हो कि आसपास उनके कौन से कम्युनिटी किचन है तो मैप उनकी सहायता कर सकता है। लोगों की मदद के लिए लोगों को ये मालूम चल सके कि उनके आसपास कौन कौन से कम्युनिटी किचन है जिससे उनको सुविधा मिल सके, इस तरह की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। कैमरामैन जेपी के साथ लोमजी मीडिया लखनऊ। और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनमोहन भट्ट लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनमोहन, सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया है, आसानी होगी अब ये पता करने में कि आखिर किस जगह पर कितने कम्युनिटी किचन हैं, लेकिन जो जियो टैग जिसको कनेक्ट किया गया है इससे, वो काम कैसे करेगा? देखिए अंजलि, मैं आपको बताऊं, इसको अगर थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करें तो
जो भी लोग कॉल सेंटर पर कॉल कर रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर मदद मांगी जा रही है, तो जिस कॉल सेंटर में वो कॉल जाता है वो पता कर लेगा कि किस लोकेशन से फोन आ रहा है और उस लोकेशन के आसपास कौन सा कम्युनिटी किचन या कम्युनिटी शेल्टर होम है। तो वो उस कॉल सेंटर के लिए बड़ी राहत होगी कि वो ये जज कर पाएगा कि किस टीम को रवाना करना है मदद देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, किसी व्यक्ति को सोने की जगह नहीं मिल रही है, तो कौन सा थाना, कौन सा स्टेशन या कौन सी हेल्पिंग सर्विस उसको आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो ये उनके कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में 3,500 किचन है जिनको कि जियो टैग किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इसके बाद इस स्कीम को और वृहद पैमाने पर भी किया जाएगा, क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने तक का टारगेट रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जो रोजगार के अवसर है उनको कैसे बढ़ाया जाए। और ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि अगले 6-8 महीने तक किस तरीके से आम जनता को राहत दी जाए, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो अगले 6 महीने बाद का सोचा जा रहा है। तो इस बीच में लोगों की मदद करने के लिए कम्युनिटी किचन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। और अगर किसी व्यक्ति को सोने की दिक्कत है, किसी व्यक्ति के पास सोने की जगह नहीं है, तो वो फुटपाथ पर, सड़क पर ना सोए, तो उसके लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था की जा रही है। और ये जियो टैग बिल्कुल यही काम करेगा कि जैसे ही ये मालूम चलेगा जिस लोकेशन से फोन आएगा उस लोकेशन के आसपास कौन सा कम्युनिटी किचन, कौन सा शेल्टर होम है वो पता चल जाएगा और उसको कितनी देर तक वहां पहुंचाया जा सकता है, चाहे राशन पहुंचाना है या खाना पहुंचाना है, तो कितनी दूरी उसके बीच में है ये पता चल जाएगी, वो दूरी कितने मिनटों में तय की जा सकती है ये पता चल जाएगा। तो राहत पहुंचाने में तेजी आएगी और जब ये तेजी आएगी तो आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो ये जो जियो टैगिंग है ये बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है और कोऑर्डिनेट्स के जरिए ये काम करता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो गूगल मैप है वो भी कोऑर्डिनेट्स से ही काम करता है। तो कोऑर्डिनेट्स आपस में मैच करेंगे और दूरी पता चल जाएगी कि कौन सी सड़क सबसे आसानी से पहुंच सकती है, कितनी दूरी कितने मिनट में तय की जा सकती है। तो ये एक आसान स्कीम दिखाई देती है अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो। बिल्कुल जी अंजलि। मनमोहन, कितने जिलों के और कितने कम्युनिटी किचन कनेक्ट किए जाएंगे जियो टैगिंग से? इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? देखिए, ये स्कीम लगभग बिल्कुल तैयार है और जियो टैगिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो कम्युनिटी किचन है उसको जियो टैग करना है। जियो टैग का मतलब उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे और उसको सीधा गूगल से टैग कर देगी टेक्निकल टीम। तो वो मुझे लगता है कि इसको शुरू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी किचन चल रही हैं, शेल्टर होम्स हैं, तो ये बिल्कुल तुरंत भी इसको चालू किया जा सकता है। कॉल सेंटर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया होगा और नहीं भी किया होगा तो आने वाले 24 से 48 घंटे में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। और आने वाले समय में जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल करेगा कॉल सेंटर में या किसी भी राहत केंद्र में वो कॉल करेगा, वो पता चल जाएगा कि उसकी जियो टैगिंग, उसकी लोकेशन क्या है, उस फोन, वो फोन कौन सी लोकेशन से आ रहा है और उस कॉल के आसपास कौन सा कम्युनिटी किचन है, उसकी दूरी पता चल जाएगी। तो ये शुरुआत में करीबन 3,500 के आसपास कम्युनिटी किचन है और आने वाले समय में इनको बढ़ाया जा सकता है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि उसको टैग करना टेक्निकल टीम का काम है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। वो 3,500 जितने भी कम्युनिटी किचन हैं उनकी लोकेशन ली जाएगी स्पॉट पर जाकर, जो जियो टैग करने वाली टीम होती है, जो कोऑर्डिनेट्स लेती है, उसकी टीम वो कोऑर्डिनेट्स लेगी और उसको कंप्यूटर पे फिट कर दिया जाएगा। टेक्निकल टीम उसको गूगल के साथ कनेक्ट कर देगी और जैसे ही आपको सर्वर, जैसे ही आपको इशारा करेगा, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल जाएगी कि किस व्यक्ति को कहां पर राहत चाहिए। तो राहत वाले स्थान पर उस कोऑर्डिनेट्स के जरिए पहुंच पाना बहुत आसान होगा। और ये प्लान मैंने आपको बताया कि ये प्लान अगले 5-6 महीने का प्लान है, ये प्लान कोई थोड़े से दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग करी, उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करी और ये तय किया गया कि अगले 6 महीने का प्लान बनाए कि अगले 6 महीने में किस तरीके से जो श्रमिक हैं, 15 लाख रोजगारों का सृजन कैसे होगा। लेकिन जब तक वो रोजगार सृजन नहीं होता, जब तक वो कमाने की स्थिति नहीं आती, तब तक अपने प्रदेश के जनता को भूखा ना रखा जाए, उनको किसी तरीके से उनके पास राशन अन्न पहुंचाया जाए, वो तमाम व्यवस्थाएं करनी है और कम्युनिटी किचन वही काम कर रही है। उसी की दिशा में ये एक और कदम है कि वो जियो टैगिंग से वो रास्ता पता करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि किस व्यक्ति को कहां पर राहत चाहिए और जियो टैगिंग से वो सारी चीजें बहुत स्मूथली आप कंट्रोल रूम में बैठ के देख सकते हैं। जी अंजलि, बिल्कुल। और ये जरूर इससे साफ हुआ है, जिस तरह से ये फैसला अपग्रेड करने का कम्युनिटी किचन को लिया गया है, कि इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और ये पूरी प्राथमिकता है सरकार की कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए, सबको खाना मिले। और कितना मददगार ये साबित हो सकता है गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए? देखिए,
कम्युनिटी किचन में जो लोकेशन है वो पता चलती है, जो व्यक्ति को राहत चाहिए उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि जो राशन या अन्न पहुंचाना है उसके लिए लोकेशन ट्रेस ना करनी पड़े, बहुत आसानी से पहुंच जाए। दूसरा ये है कि वो रास्ता बहुत आसान हो, पता चल जाए कि कितनी दूरी पर व्यक्ति को राशन पहुंचाना है या खाना पहुंचाना है। तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे, वो धीरे धीरे इसका पता चल पाएगा। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, अगले 6 महीने तक का प्लान है, और जिस तरीके से पहले फेज में करीबन 3300 कम्युनिटी किचन जियो टैग किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का पलायन होना है आने वाले दिनों में भी, लॉकडाउन में जैसे जैसे ढिलाई बढ़ती जाएगी, बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, तो उन लोगों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, उन लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाने होंगे, उन लोगों को उनके गांव तक पहुंचाना होगा। तो ये जो कम्युनिटी किचन का काम है ये धीरे धीरे रूरल क्षेत्रों में भी जाएगा ऐसा लगता है, और वहां पर श्रमिकों की मदद करनी पड़ेगी राज्य सरकार को। बिल्कुल, लगातार राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, रोजगार दिए जाने की भी बात हो रही है। अब हाईटेक चूंकि कम्युनिटी किचन को मनमोहन कर दिया गया है, तो क्या माना जाए कि कम्युनिटी किचन की संख्या भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है? बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में श्रमिकों की संख्या या जो पलायन होकर अपने प्रदेश में वापस आएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो कम्युनिटी किचन है उनकी संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़नी तय है। और जब ये संख्या बढ़ेगी तो कुछ मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए अभी से तैयारियां की गई हैं। जियो टैग के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि कहाँ पर कम्युनिटी किचन संचालित की जा रही है और कहाँ से कहाँ तक राहत पहुँचानी है, वो दूरी कितनी है, तो ये जियो टैगिंग का काम आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। और जो अन्य प्रदेशों से वापस अपने मूल प्रदेश उत्तर प्रदेश में वापस लौटकर लोग आएंगे उन तक राहत सामग्री किस तरीके से पहुंचानी है, ये उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसको जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वित किया जाना है उसकी ये तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिकता में ये सरकार की शामिल है, ऐसे में समीक्षा मुख्यमंत्री रोजाना जब टीम 11 की बैठक होती है तो करते हैं। जो गुणवत्ता है खाने की यहाँ पर, क्या इसकी भी टेस्टिंग माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में होगी, जिससे परेशानी जो है वो श्रमिकों की, वो लोग जो कि कम्युनिटी किचन के सहारे हैं, उनकी ना बढ़ जाए? देखिए, खाने की गुणवत्ता तो लगातार टेस्ट हो ही रही है, निश्चित रूप से हो रही है, और आने वाले समय में भी जैसे जैसे कम्युनिटी किचन का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे खाने की टेस्टिंग निश्चित रूप से होती रहेगी। लेकिन जो जियो टैगिंग की बात की जा रही है उसका टेस्टिंग से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति तक राहत पहुँचाई जानी है और जहाँ से राहत पहुँचाई जानी है वो बिल्कुल आसान रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया कॉल सेंटर में वहां तक राशन कहां से पहुंचाई जाएगी ये बड़ा आसान हो जाएगा। हम अगर अंदाजा लगाएं कि अगर लखनऊ में किसी व्यक्ति को राहत चाहिए, अगर एक कोने से दूसरे कोने तक राहत पहुंचाने का काम हो रहा है, तो जो सबसे नजदीकी सेंटर होगा कम्युनिटी किचन का, उसी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्रभावित व्यक्ति तक खाना राशन दवाई जो भी पहुंचाना है उस व्यक्ति तक पहुंचाए। तो वो जो मिसमैनेजमेंट होता है उस तरीके का मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, जो सबसे नजदीकी सेंटर होगा कम्युनिटी किचन का वो जिम्मेदारी उठाएगा राहत पहुंचाने की। तो इसके लिए जियो टैगिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जी ठीक, आपका शुक्रिया मनमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए। तो क्या है